मेरा नाम सरोज भसीन है, मेरी उम्र 73 साल है। हम मानक विहार दिल्ली में रहते हैं। पहले तो हमारा जनवरी से पहले वाले तो सारा ठीक चलता रहा, खाना पीना बिल्कुल ठीक, कोई समस्या हुई नहीं, बल्कि 13-14 जनवरी तक ठीक रहा। उसके बाद अचानक से ऐसे लगा कि जैसे खाना निगला नहीं जा रहा, और उल्टी भी कुछ खाऊं तो एकदम से उल्टी आ जाती थी, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता था। परेशान हो गए घर में सारे, तो फिर हमने आसपास दिखाया डॉक्टर्स को, एक हॉस्पिटल में भी गए, और वहाँ पहले उनको भी समझ नहीं आई कि किस वजह से हो रहा है, तो उन्होंने गले का ट्रीटमेंट किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने बेरियम स्वेलो एक टेस्ट करवाया, जिसमें कि ये आया कि फूड पाइप में कुछ समस्या है। फिर उसके बाद एंडोस्कोपी और बायोप्सी दोनों हुई, और तब कंफर्म भी हो गया कि भाई हाँ ये प्रॉब्लम है। तो फिर उन्होंने पेट सीटी स्कैन के लिए कहा, लेकिन वो टेस्ट वहाँ उसकी फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। तो फिर हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने सलाह दी उनको कि भाई इधर मयूर विहार की तरफ है धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल, बेस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ हर एक तरह के टेस्ट की फैसिलिटी भी है, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो आप वहाँ जाकर देखिए। उसके बाद फिर हम यहाँ आए। जब हम लोग यहाँ पहुँचे और पेट सीटी स्कैन के लिए हमें रिकमेंड किया गया, तो जिसकी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल थी, हम लोगों ने यहाँ टेस्ट करवाया। उसकी रिपोर्ट आने के बाद अब हमारे सामने क्वेश्चन ये था कि किसको दिखाया जाए ताकि उसका आगे ट्रीटमेंट चले। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि शायद बेटर है कि हम लोग यहाँ पर ही ट्रीटमेंट कराएं। तो हम लोगों ने इंक्वायरी की, तो पता उन्होंने हमें रेफ़र कर दिया डॉक्टर के एम पार्थासारथी के पास। वहाँ से ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ है हमारा। उनको दिखाने के बाद उन्होंने डॉक्टर पूजा खुल्लर को रेफ़र किया, तो ये बाद में डिसाइड हुआ कि हम लोग रेडिएशन भी कराएं और कीमोथेरेपी भी कराएं, और यही इसका एक सिस्टम रहेगा। वो कराने के बाद फिर रिपोर्ट जो आई है उसके बाद उन्होंने रेफ़र किया डॉक्टर नीरज गोयल। सरोज भसीन जी हमारे पास आई थी कंप्लेंट्स लेकर कि उनको खाने में दिक्कत है, मतलब उनका खाना अटक रहा था। इनिशियली उनको सख्त चीज़ें खाने में प्रॉब्लम हो रही थी, फिर धीरे धीरे वह बढ़कर लिक्विड की तरफ चला गया। तो ऐसे में हमारे को अंदेशा हुआ कि उनको खाने के रास्ते का फूड पाइप का कैंसर है, जिसके लिए हमने उनको एक एंडोस्कोपी कराने के लिए बोला। एंडोस्कोपी के अंदर एक गांठ हमारे को दिखी, जिसकी बायोप्सी में फूड पाइप का कैंसर आ गया। तो ये फूड पाइप का जो कैंसर है, ये एक अग्रेसिव कैंसर है, कहने का मतलब है क्योंकि ये छाती के अंदर होता है, और छाती में उसके आसपास सांस का रास्ता होता है, और वहीं पर आपका हार्ट भी होता है, और एओर्टा मतलब जो खून की सबसे बड़ी नस होती है वो भी वहीं पर होती है। तो ये आसपास फैलता है, तो इन चीज़ों को जकड़ लेता है अपने आप में। तो एक प्रकार से इसका इलाज हमारे को जल्दी से जल्दी करने की आवश्यकता है, उसी की सलाह हमने सरोज जी को दी। हम लोग एक्चुअली अवॉइड करना चाहते थे कि ऑपरेशन ना हो, मेडिसिन से ट्रीटमेंट हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया। हम लोगों ने और भी जगह पर ट्राई की, तो अल्टीमेटली ये डिसाइड किया गया कि हम लोग इस ऑपरेशन के लिए अपने आप को तैयार करें। उनका जो ऑपरेशन था थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इस वजह से था क्योंकि जो उनका ट्यूमर था वो सांस के रास्ते, जो बाएं फेफड़े का जो सांस का रास्ता होता है उससे चिपका हुआ था। इनका ऑपरेशन हमने दूरबीन विधि द्वारा किया, छाती के अंदर हमने छोटे छोटे छेद से और कैमरे की मदद से हमने उसको किया, जिसको हम थोरैकोस्कोपिक इसोफेजेक्टमी बोलते हैं। सरोज जी ने बहुत अच्छे से रिकवर किया उससे, और एक दिन भर वो आईसीयू में रही, उससे अगले दिन हम उनको आईसीयू से बाहर ले आए। सर्जरी से पहले तो मैं सच में बहुत घबराई हुई थी, हम तो बल्कि ये भी सोच रहे थे सर्जरी छोड़कर आयुर्वेदिक या होम्योपैथी की तरफ डाइवर्ट हो, लेकिन डॉक्टर साहब से, डॉक्टर नीरज गोयल से बात करने के बाद उन्होंने जिस ढंग से मोटिवेट किया,
और ऐसा लगा ही नहीं कि हम एक डॉक्टर से बात कर रहे हैं, हम किसी क्लोज रिलेटिव से बात कर रहे हैं, ऐसा महसूस हुआ। और उन्होंने जो मोटिवेट करने का उनका तरीका था, उससे मैंने अपने आप को फिर सर्जरी के लिए तैयार किया। और सर्जरी कराने में मुझे घबराहट नहीं हुई, मैं पूरी तरह से तैयार होकर ही आई थी, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि भाई हाँ ऐसे होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी बाद में, और बल्कि आप पाँच छः दिन या एक हफ्ते में आप तो खाने पीने भी लग जाओगे। क्या गुड, इससे अच्छा और क्या है। तो उनकी मोटिवेशन, उनका जो अपनापन था, उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। हमें मतलब सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो हुआ कि ये हमें जो पेशेंट और डॉक्टर के बीच का जो गैप है, वो गैप कभी महसूस नहीं हुआ। ये लग रहा था किसी अपने से ही बात कर रहे हैं। तो ये जो खाने की नली के जो कैंसर्स होते हैं, एक प्रकार से अग्रेसिव कैंसर हैं जिनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से संभव होता है, और हम कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी पहले देकर उनको ऑपरेशन के लिए लेते हैं। सरोज जी के केस में भी वही किया था, और ऑपरेशन के पश्चात उनकी बीमारी पूर्णतया साफ हो गई और जो बायोप्सी रिपोर्ट थी उसके अंदर बीमारी का कोई अंश नहीं था। अब तो बहुत ठीक हो गई, अब तो मैं खाना खा रही हूँ, चपाती भी खा रही हूँ, सब कुछ खा रही हूँ, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं खा पा रही। हार्ड चीज़ भी खा रही हूँ, सॉफ्ट डाइट हार्ड डाइट सब तरह के खाना खा रही हूँ, कोई परेशानी नहीं है। बस है वीकनेस है, वो धीरे धीरे कवर अप हो जाएगी। वो भी मैं तो औरों को भी यही कहूँगी कि भाई हाँ, ये अगर प्रॉब्लम कुछ इस तरह की आती है तो आप टाइम बर्बाद ना करो, बल्कि किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाओ। जैसे मुझे ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही, क्योंकि ये हॉस्पिटल वाकई में बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही हॉस्पिटल में आप कहीं भी जाकर ट्रीटमेंट कराएं, लेकिन टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से ये कि आपका लाइफ जो है वो थोड़ी सी कम होने के चांसेस हो जाते हैं, हार्ड और आगे होनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं तो सबको भी यही कहूँगी और ख़ुद भी यही महसूस करती हूँ कि डॉक्टर्स हमारे लिए भगवान के समान हैं। उनका कभी भी जो भी वो कहते हैं उनका कहना ज़रूर मानो, क्योंकि मेरे को भी ऐसा ही अनुभव हुआ कि डॉक्टर्स ने अगर ना मुझे सलाह दी होती तो शायद मैं भी आज ज़िंदगी की अड़चने झेल रही होती। तो डॉक्टर्स वाकई में वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल द डॉक्टर्स। तो कुल मिलाकर किसी भी लक्षण की नज़रअंदाजी ना करें, तुरंत ही कोई भी ऐसा लक्षण आपको मिले जो आपको परेशान कर रहा है, तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिले, क्योंकि इन सब चीज़ों का इलाज समय रहते बहुत अच्छे से संभव है। आजकल जो सर्जरी की टेक्निक्स हैं, मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स, दूरबीन विधि द्वारा या जिसको हम लेज़र विधि द्वारा भी आम भाषा में बोलते हैं, संभव है, रिकवरी अच्छी होती है और ज़्यादा दिक्कत ना होकर मरीज़ बहुत अच्छे से रिकवर कर जाता है।